सत श्रीकाल जी, नमस्कार साथियों। मैं सिंघू बॉर्डर से बोल रहा हूँ, सिंघू सिंधु नहीं, सिंघू बॉर्डर। ये है जगह जहां दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर मिलता है। ये वो जगह है जहां सरकार ने कहा था किसानों को पहुंचने नहीं देंगे, और अब आप देखिए पीछे, यहाँ दूर तक जहां खबर आती है किसान है, आपको दिखेगा नहीं, यहाँ 25, 30, 40 किलोमीटर तक ट्रॉलियां ही ट्रॉलियां हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं। ये तो सिर्फ एक मोर्चा है। उधर रोहतक वाले पे मैंने सुना है कि रोहतक से आगे हांसी तक ट्रॉलियां लगी हुई हैं, यानी कि सैकड़ों किलोमीटर तक ट्रॉलियां लगी हुई हैं, ट्रैक्टर लगे हुए हैं। ये एक ऐतिहासिक घड़ी है। मुझे और ज्यादा तो याद नहीं, पर 1987-88 में जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत आए थे, लाखों किसानों को लेके दिल्ली में आए थे, तब जो समा बंधा था, आज मेरे को उसी की याद आ रही है। 32 साल के बाद उस स्थिति पे हम पहुंचे हैं कि किसान आए हैं, ठोक के कह रहे हैं कि अब मेरे हिसाब से काम होगा। किसानों ने अपना एजेंडा इस देश के सामने रखा है, अपनी शर्तों पे रखा है, और ये आसान नहीं था। सरकार ने क्या कहा था, हरियाणा में घुसने नहीं देंगे, फिर कहा कि हरियाणा से आगे दिल्ली के रास्ते में नहीं जाने देंगे, दिल्ली बॉर्डर तक नहीं पहुंचने देंगे। सब हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के पुलिस ऑफिसर कह रहे थे, मेरे जैसा लोग पूछ रहे थे कि भाई पंजाब है और दिल्ली है, आप तो बीच में रास्ता हो, आप कैसे रोक सकते हो। कल को राजस्थान फैसला कर सकता है कि गुजरात के किसान आके मोदी जी से दिल्ली में नहीं मिल सकते। अब क्या था, कोई हक नहीं था, सिर्फ धक्केशाही थी। लेकिन उस धक्केशाही को किसानों ने अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे से तोड़ा, और किसानों ने आज इस ऐतिहासिक मोड़ के ऊपर लेके आए हैं जहां दिल्ली बॉर्डर पे खड़े हैं। और जो सरकार कहती थी कि आपको ये इस तरह, हम देख रहे हैं पुलिस है, पुलिस के वाहन खड़े हैं, पहले पुलिस के लोग बड़े तैनात होके खड़े थे, अब ढीले होके पीछे बैठ गए। वो सरकार जो कहती थी कि आपको दिल्ली बॉर्डर पहुंचने नहीं देंगे, दिल्ली में घुसने नहीं देंगे, वो सरकार आज घुटने के बल बैठ के कह रही है कि दरी बिछा के बैठे हैं, आप आ तो जाओ। आज ये स्थिति हो गई है। 32 साल से दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉली घुसे नहीं है। महेंद्र सिंह टिकैत लेके आए थे, उसके बाद से सरकार ने रूल बना दिया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली में घुस नहीं सकता। अब सरकार कह रही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए जगह हमने बना दी, आप आओ तो जाओ। किसानों ने पहली फतेह हासिल की, एक जीत हासिल की, अपनी शर्त पे किसान तय कर रहे हैं। सवाल ये चल रहा है कि यहां बैठे या बुराड़ी में जाके बैठे, इसके ऊपर कई लोगों के सेंटिमेंट है, बातचीत चल रही है। मेरा सिंपल कहना है भाई, मेरी निगाह तो चिड़िया की आंख पे, और चिड़िया की आंख ये है कि तीन कानून है जिन कानूनों के खिलाफ हमें उन कानूनों को रद्द करवाना, उसको रद्द करवाने के लिए यहाँ बैठ के ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। वहां बैठ के आपको ज्यादा अच्छी रणनीति लगती है, कोई बात नहीं, आप इस गली से चले जाओ, उस गली से चले जाओ, मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है कि आपको जाना कहाँ पे, वो सबसे बड़ा सवाल है। हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। किसान संगठन पंजाब के 30 किसान संगठन जिन्होंने पिछले 2 महीने से ये शानदार आंदोलन चलाया है, 2 महीने के इस आंदोलन में एक छोटी सी भी घटना अब तक नहीं हुई है, कोई खरोंच भी नहीं लगी है किसी गाड़ी को अब तक। जिस मूवमेंट की लीडरशिप ने पिछले 2 महीने से आंदोलन शानदार तरीके से चलाया है, वो लीडरशिप ये छोटे फैसले भी ले लेगी, ये कोई बड़े फैसले नहीं है, ये छोटा फैसला भी ले लेगी, आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। और जो राष्ट्रीय लीडरशिप है, ये सारा का सारा आंदोलन कोई डिसऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो रहा। कई बार मीडिया में खबर आ जाती है जैसे किसान बस मुंह उठा के चले आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब के 30 किसान संगठनों की अपनी कमेटी है जिसके डिसीजन हो रहे हैं, बहुत अनुशासित तरीके से फैसले हो रहे हैं, और उसके साथ नेशनल लेवल पे भी संयुक्त किसान मंच की एक 7 मेंबरी कमेटी है सब संगठनों में कोऑर्डिनेशन करने की। 400-500 किसान संगठन शामिल है, सिर्फ पंजाब के लोग नहीं है, हरियाणा के इतने लोग अब इसके अंदर जुड़ गए हैं। और हरियाणा में जहां जहां किसान रुके हुए अपनी ट्रॉलियां लेके, पंजाब के किसान, उनको हरियाणा का किसान दूध सप्लाई कर रहा है कि भाई तुम आए हो मेरे किसान भाइयों, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। तो हरियाणा और किसान का और पंजाब का किसान जुट गया है। और ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हरियाणा का तो कोई इसके अंदर है ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूं खट्टर साहब, अगर हरियाणा का कोई नहीं था
तो आपने हरियाणा के इतने सैकड़ों किसान नेताओं को गिरफ्तार क्यों किया? अगर हरियाणा का कोई नहीं था तो ये जो रोहतक बॉर्डर के ऊपर सारी ट्रॉलियां खड़ी हैं, उसमें सरसा, फतेहाबाद, जींद, चौहाना, इसकी ट्रॉलियां कहां से आई हैं? रोहतक सांपला के लोग कहां से आए? हरियाणा के नहीं है क्या ये? और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात कर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्योंकि जब सारे पेच खत्म हो जाते हैं तब सिर्फ हिंदू मुसलमान सिख इनको दिखाई देता है। अब ये वाला पेच चलाया जा रहा है कि नहीं नहीं खालिस्तानी है, इन लोगों को पता भी नहीं है। इन किसान जथेबंदियों का जो इतिहास है, किसान संगठनों का, पंजाब के किसान संगठनों का जो इतिहास है, ये इन मीडिया वालों को पता भी नहीं किस तरह से इन्होंने इस देश के लिए संघर्ष किया। ये देश का वो प्रांत है जिसने देश की आजादी के लिए और उसके बाद देश की लड़ाइयों में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। उन लोगों के खिलाफ ऐसी बात करना शोभा नहीं देता जी। आपको इस तरह की बात बंद कीजिए। हरियाणा का नागरिक होने के नाते मैं कहता हूं, शर्मसार मत करो हरियाणा के लोगों। हरियाणा और पंजाब का किसान एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़ा है, जुड़ के इस लड़ाई में है। बाकी जगह से आने शुरू हो गए हैं, उत्तर प्रदेश के किसान आने शुरू हो गए हैं, और अभी पीछे जब मैं बात कर रहा था जो गाना चल रहा था वो महाराष्ट्र के साथी गा रहे हैं। महाराष्ट्र के किसान यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ मध्य प्रदेश के किसान नेता आए हुए हैं, देश भर के किसान नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं, किसानों के प्रतिनिधि यहाँ पहुंच रहे हैं। संघर्ष चल रहा, वो पूछते हैं कब तक चलेगा। मैं कहता हूं तो सरकार को तय करना है, हम तो अपना राशन लेके आए, आप तय कर लो। आप दो दिन के अंदर बात मान लो, हम दो दिन में चले जाएंगे। आपको दो महीने नहीं मांगनी तो हम दो महीने यहाँ पे बैठेंगे। सरकार को तय करना है, टाइम टेबल हमारे को नहीं, सरकार को तय करना है। सरकार कहती है 3 दिसंबर को हम बात करेंगे, हम कहते हैं कोई बात नहीं, आपको 3 दिसंबर तक टाइम नहीं है। आज 28 तारीख हो गई है और आपके पास 3 दिसंबर तक कोई टाइम नहीं है किसानों से मिलने का। कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम है, हमारे पास पेशेंस है, हम बैठेंगे, देख लेते हैं आपको कब टाइम मिलता है। जितना देर करोगे उतनी मुश्किल बढ़ती जाएगी मोदी जी आपके लिए, ये आप सोच लो। जितना मर्जी टाइम लगा लो, कोई बात नहीं है। इस मोर्चे पे आज फैसला हुआ है कि आज रात को किसान यही रहेंगे, कल सुबह पंजाब की कमेटी की बैठक होगी, राष्ट्रीय कमेटी की भी बैठक होगी, मिलके एक फैसला लेंगे, संघर्ष को आगे चलाएंगे। सरकार घबराई हुई, डरी हुई है, और जो डरा हुआ होता है वो डराने की कोशिश करता। हम नहीं डरे, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। ये सिंगू बॉर्डर से अभी ये रिपोर्ट है, मैं आपको फिर याद दिला दूं, सिंगू बॉर्डर अभी सिर्फ एक बॉर्डर है, उधर रोहतक वाला बॉर्डर है टिकरी बॉर्डर, वहां पे भी बहुत किसान आए हुए और कुछ किसान यहाँ बुराड़ी तक पहुंचे। बुराड़ी की तस्वीर दिखा के आपको कोई बोले कि किसान नहीं आए, आप उस तस्वीर पर ध्यान मत देना, क्योंकि किसान सारे यहाँ पे अटके हुए हैं। अभी किसानों ने तो मार्च करने शुरुआत ही नहीं की है, जब शुरुआत करेंगे तब आपको पता लगेगा कितने किसान आए हुए हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो गाड़ी तो चला नहीं सकते, मोटरसाइकिल लो और यहाँ दिल्ली से पानीपत तक ड्राइव करने की कोशिश करो, आपको पता लग जाएगा कितने किसान आए हुए हैं। या दिल्ली से रोहतक तक ड्राइव करने की देख लो, पता लग जाएगा। ये एक ऐतिहासिक घड़ी, इस ऐतिहासिक घड़ी में ये ऐतिहासिक जो मोबिलाइजेशन है किसानों का, ये एक ऐतिहासिक फैसला करवा के जाएगा, ये हमारी उम्मीद है, ये हमारा संकल्प है, इसलिए सब किसान यहाँ पे जुड़े हैं। आपको मैंने आज की रिपोर्ट दी, कल जो भी स्थिति होगी वो आपके सामने लेके आएंगे। ये रिपोर्ट और ये जज्बा कायम रहेगा। एक आखिरी बात जरूर करना चाहता हूँ, पंजाब के किसानों को विशेष सलाम करना चाहता हूँ। जब देश की आजादी के लिए 100 साल पहले संघर्ष हो रहा था, तब बंगाल के क्रांतिकारी थे जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे उस समय, और अंग्रेज क्या कहते थे, ये सिर्फ बंगाली लोग हैं, बंगालियों को प्रॉब्लम है, बाकी देश को कोई दिक्कत नहीं है।